हेलो फ्रेंड्स, होम कुक्स मैजिक में आपका स्वागत है। मैं लता भारती आज लेकर आई हूँ आपके लिए पालक पनीर की स्वादिष्ट रेसिपी, जिसे हम घर पर बहुत इजीली बना सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पालक। यहाँ मैंने आधा किलो पालक को धोकर साफ करके ले लिया है। 250 ग्राम पनीर, 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज, 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर, 5 हरी मिर्च, 5 लहसुन की कली और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का। अब हम सबसे पहले पालक को उबालेंगे। यहाँ मैंने पालक को एक पैन में 1 कप पानी डालकर उबलने के लिए रख दिया है। इसे हम 5 मिनट तक उबालेंगे। 5 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 लौंग, 1 इलायची, 2 तेज़पत्ता डाल देंगे। तेज़पत्ता डालने के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। जब तक ये प्याज भुन रहा है तब तक हम लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को एक इमामदस्ते में डालकर बारीक कूट लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ये कुटा हुआ मसाला डाल देंगे और इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से भुनेंगे, जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए। 1 मिनट तक भुनने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे कि मसाले जल ना जाएं। इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे। चलाने के बाद इसमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे। कटा हुआ टमाटर डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। पानी डालने के बाद इसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही भुनने देंगे। अब हम एक मिक्सी के जार में पालक को डालकर पीस लेंगे। इसमें हम उबला हुआ पालक डालेंगे और जो पालक का पानी होगा वो भी हम इसी में डालकर इसे बारीक पीस लेंगे। आप देख सकते हैं पालक को हमें इतना बारीक पीसना है। अब आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें कटा हुआ पनीर डालेंगे। पनीर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए ढककर और पकाएंगे, जिससे कि पनीर के अंदर मसाले अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। अब हम इसमें पिसी हुई पालक डालेंगे। पालक डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए और ढककर पकाएंगे। हमें पालक पनीर बनाते समय थोड़ा सा पेशेंस रखना है, तभी हमारा पालक पनीर अच्छा बनेगा। अब हम इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। अच्छी तरह से चलाने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। अगर घी नहीं है तो हम इसमें बटर भी डाल सकते हैं। इसके बाद कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। कुकर का प्रेशर निकलने के बाद ही हम इसे सर्व करेंगे। देखिए, पालक पनीर बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। आप भी एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए। मुझे आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।